हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट ट्रेडमार्क ऑपोजिशन। तो दोस्तों, आपको पता है ट्रेडमार्क, हमने ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन पिछले वीडियो में सीखा था, अभी ट्रेडमार्क ऑपोजिशन क्या होता है ट्रेडमार्क ऑपोजिशन, आप में से अगर कोई जानता है तो कमेंट में लिख के बताइए। तो दोस्तों, ट्रेडमार्क ऑपोजिशन जो है वो तब आता है जब हमारा ट्रेडमार्क पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है, बराबर, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने उसको रुकवाने के लिए प्रोसेस किया है, वो नहीं चाहते कि हमें वो ट्रेडमार्क मिले। तो उस केस में वो एक एप्लीकेशन डालते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, पैसे भी देने पड़ते, फ्री में नहीं होता, कि आप इनको ये ट्रेडमार्क नहीं दें। और नहीं दे और क्यों नहीं दे इस बारे में भी तो उसका आपको जवाब देना पड़ता है, रिप्लाई। अगर आपका ट्रेडमार्क है, आपने डाल दिया समझो ABC पेंसिल्स, ठीक है, और सरकारी, और किसी ने उसका ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन डाल दिया, तो ऑपोजिशन डालने के समय उसे 2700 रुपए भरने पड़ते हैं और बहुत सारे पेपर भी देने पड़ते हैं। और प्लस जो वकील ऑपोजिशन उसको डालने में हेल्प करेगा वो 3-4 हज़ार रुपये लेगा कम से कम स्टार्टिंग में। अब आपको भी सेम खर्चा होने वाला है उसका रिप्लाई देने, समझ रहे हो, सेम खर्चा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, यार मेरा ऑपोजिशन आया ना तो मैं ये इस पे और 6-7 हज़ार खर्च करने से अच्छा है नया ट्रेडमार्क अप्लाई कर दूं, है ना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कितना गारंटी है कि हमको ये ट्रेडमार्क मिलेगा या नहीं। फाइट करने के बाद नहीं मिल रहा है तो हम नवा पुटअप कर देते हैं। तो आप भी ये डिस्कशन कर सकते हो हमारे साथ फ्री में, ओके। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ट्रेडमार्क का प्रॉपर आगे का प्रोसेस देख सकते हो ऑपोजिशन आने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में हमें लिख के बताइए। बाय बाय, टेक केयर।